नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं फ्रेंड आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो पिछली बार की तरह ही ठीक मैं इस बार भी आपके लिए आज एक नई वीडियो लेके आया हूं, जो कि पहले की तरह आधार कार्ड से रिलेटेड होगी। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी आधार कार्ड से रिलेटेड फ्रेंड, जो कि ये है, जो आप मेरे चैनल पर आकर देख सकते हैं या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यहां आके आप देख सकते हैं कि मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई है कि आधार कार्ड को एक क्लिक से आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका आधार कार्ड एक्टिव है या डिसएक्टिव, क्योंकि सरकार ने काफ़ी सारे आधार कार्डों को डिसएक्टिव कर दिया है। तो आप इस वीडियो को देख के जान जाएंगे कि आपका आधार कार्ड एक्टिव है या डिसएक्टिव। तो फ्रेंड आज मैं आपके लिए आधार कार्ड से रिलेटेड ही एक वीडियो लेके आया हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपका आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर ऐड है या नहीं है, और नहीं है तो आप किस तरह से भी ऐड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो आप पूरी तरह देखें, क्योंकि सरकार ने सारे के सारे आधार कार्ड बैंकिंग व्यवस्था, या फिर मैं यूँ कहूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पे आधार कार्ड ऐड करना अनिवार्य कर दिया। और आधार कार्ड यदि आप ऐड करते हैं तभी आपको गवर्नमेंट की सारी चीज़ फ़ायदा ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड बिना देरी करे मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से देख सकते हैं, बस एक क्लिक करके, कि आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर ऐड है कि नहीं है, और ऐड है तो कौन सा है। तो फ्रेंड सबसे ऊपर टॉप पे आप आधार कार्ड लिखे गूगल पे, और गूगल पे आधार कार्ड लिखने के बाद आपको ये वाली वेबसाइट मिलेगी जो UIDAI ऑफिशियल वेबसाइट है आधार कार्ड की। बस आप यहाँ क्लिक करें, और क्लिक करते ही आपके सामने एक वेब पेज इस तरह का ओपन हो जाएगा जो कि आधार कार्ड की वेबसाइट का है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी होगी, आधार एनरोलमेंट, आधार अपडेट, आधार सर्विस। तो आपने क्या करना है फ्रेंड कि आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा होगा, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे लिखा है डाउनलोड आधार। तो यहाँ पे आप क्लिक करें डाउनलोड आधार पे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे फ्रेंड तो यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। यह होगा एक एनवायरमेंट आईडी, एक होगा आधार। आज मैं आपको आधार के द्वारा बता रहा हूँ, बाद में आपको मैं अगली वीडियो में एनवायरमेंट आईडी से भी बताऊंगा कि आप किस तरह पता कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में आपका कौन सा मोबाइल नंबर ऐड हो रखा है। तो यहाँ पे जैसे ही आधार पे क्लिक करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे सबसे टॉप पे आपको अपना आधार नंबर लिखना होगा जो कि 12 डिजिट का है, जैसे मैं लिख रहा हूं। उसके बाद फुल नेम लिखना पड़ेगा, ठीक फ्रेंड। फिर पिन कोड लिखना पड़ेगा आपको, जो भी आपके स्टेट का है। फिर आपको ये एंटर अबाउट टेक्स्ट, जो टेक्स्ट में आ रहा है वो लिखना पड़ेगा, जो कि 6 डिजिट का आएगा। और यहां पे आपको क्लिक करना पड़ेगा गेट वन टाइम पासवर्ड पे, ठीक है फ्रेंड। तो यहां पे जैसे ही आप पासवर्ड पे क्लिक करोगे तो यहां पे लिखा हुआ योर वन टाइम पासवर्ड विल बी सेंट योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ये लास्ट की 4 डिजिट आ रही होगी फ्रेंड, आप ढंग से देखिए। तो यानी कि ये वाला मोबाइल नंबर मेरा रजिस्टर्ड है, जो कि मैंने आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड कर रखा है। तो इस तरह आप बड़े ही आसानी से पता लगा सकते हैं फ्रेंड कि आपके आधार कार्ड पे आपका कौन सा वाला नंबर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, और नहीं है तो यहाँ फ्रेंड कुछ भी आपको शो नहीं होगा, ये विंडो ओपन नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे आप कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए तो आपको वन टाइम पासवर्ड वहाँ पे हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपको कोई भी आधार कार्ड से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछनी है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स पर आप जरूर लिख के, मैं आपके कमेंट का बिल्कुल जवाब दूंगा। और यदि ये वीडियो आपको पसंद नहीं आई तो फ्रेंड इसे डिसलाइक करें। तो मिलते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय गंगे भैया की जय हिंद, वंदे मातरम।